तो फ्रेंड्स, एक मत्स्य नाम से एक अच्छी बुक है, जनरल इंग्लिश, मत्स्य जनरल इंग्लिश हेल्प बुक फॉर बीए, बीएससी एंड बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए। आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस, इस बुक में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा मत्स्य जनरल इंग्लिश। इसका जो पब्लिकेशन है वो कौन है? छवि पब्लिकेशन जयपुर, छवि पब्लिकेशन जयपुर से है। और राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से, अलवर का इसमें कोर्स दिया हुआ है जनरल इंग्लिश का पेपर के लिए। हेल्प बुक है ये, वैसे न्यू एडिशन ही है, नया एडिशन है। सिलेबस भी है इसमें पूरा दिया हुआ है अच्छे से, आप जब परचेज करेंगे बुक को तो उसमें आप देख सकते हैं सिलेबस को। लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आज इंग्लिश का नया टॉपिक होगा, वो टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम, आप देख सकते हैं इस बुक्स के द्वारा ही मैं समझा रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको इजी रहे बुक्स पढ़ते वक्त, कि आप घर बैठे ही आप तैयारी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ये आपका 5 नंबर का होगा। परीक्षा में हिंदी से अंग्रेजी में वाक्यों के अनुवाद से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, जो कि 5 अंक का होगा, 5 अंक्स का। सेंटेंस एलिमेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट्स इलेक्टेड हरी द सेक्रेटरी लास्ट ईयर, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हरी आपका ऑब्जेक्ट है, द सेक्रेटरी कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है लास्ट ईयर, ठीक है। उपयुक्त उदाहरण एक सेंटेंस है, एक्सप्लेनेशन करते हैं इसका अच्छे से, बुक्स ने अच्छे से किया हुआ है। इसके पास इसके 5 एलिमेंट हैं, 5, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। सब्जेक्ट है वर्ब क्रिया यानी कि ऑब्जेक्ट कर्म, कॉम्प्लीमेंट विधेयार्थ, तथा एडवर्बियल क्रिया विशेषणात्मक। संक्षिप्त रूप में इन्हें SVOCA लिख सकते हैं। एक वाक्य में इन 5 एलिमेंट्स का होना आवश्यक भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी आए। एक वाक्य में एक एलिमेंट भी हो सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 भी हो सकते हैं, किसी भी क्रम में भी हो सकते हैं, कोई भी क्रम हो सकता है। तथा ओ व ए, वो ऑब्जेक्ट और ए एडवर्बियल, एक से अधिक बार सेंटेंस में प्रयुक्त हो सकते हैं, यानी कि किसी भी सेंटेंस में आ सकते हैं ऑब्जेक्ट और आपका एडवर्बियल, एक से अधिक बार भी सेंटेंस में आ सकते हैं। सब्जेक्ट देखिए कौन से हैं, हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट कर्ता, जिसको आप कहते हैं कर्ता है हिंदी में। एग्जाम्पल देखिए, विद्यार्थी अपना समय अध्ययन के विषयों में निवेश करते हैं, विद्यार्थी अपना समय अध्ययन के विषयों में निवेश करते हैं, ये स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, व्यक्ति है, इन्वेस्ट वर्ब, देयर टाइम इन स्टडीज, वृक्ष व झाड़ियाँ मार्ग पर कतार बनाए रहते हैं, ट्रीज एंड श्रब्स, वृक्ष व झाड़ियाँ है ना, वी एक्शन है लाइन, कतार बनाए है ना, कतार बनाना वर्ब, द ड्राइव वे, द ड्राइव वे। कुछ कक्षा कक्ष छोटे हैं, सम क्लासरूम्स आर स्मॉल, सब्जेक्ट थिंक, वस्तु है ये, आर आपका स्टेट हो गया है ना, वर्ब स्टेट के रूप में है यहाँ पे, ये वर्ब जो है एक्शन के रूप में है, ये फिक्स के रूप में है। एक्सप्लेनेशन देखिए इसमें, उपयुक्त पहले 2 उदाहरणों में आप चेक कर सकते हैं, सब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग्स है ना, ये तो पर्सन है, ये थिंग्स है, जो वर्ब द्वारा इंडिकेट करती हैं, यानी कि एक्शन क्रिया को संपादित करता है, यानी कि पहले 2 उदाहरणों में यानी कि फर्स्ट और सेकंड में सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन या थिंग्स है यानी वस्तु है, जो वर्ब द्वारा इंडिकेटेड
एक्शन, वर्ब के द्वारा जो एक्शन है क्रिया को संपादित करता है। तृतीय उदाहरण में यानी कि तीसरे में सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एक थिंग्स है तथा वर्ब एक अवस्था को वर्णित करती है, अवस्था को। अतः सब्जेक्ट एक पर्सन या थिंग होता है जो या तो वर्ब द्वारा इंडिकेटेड इंगित एक्शन को परफॉर्म करता है या वर्ब द्वारा वर्णित अवस्था को बताता है। वर्ब क्रिया के एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे, क्रिया के बारे में भी हम समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझने के लिए देखिए, फर्स्ट नंबर, बिल्लियाँ चूहे खाती हैं, कैट्स ईट माइस। सब्जेक्ट है वी, यहाँ पे है मेन वर्ब। कुछ विद्यार्थी सशक्त व स्वस्थ थे, सम स्टूडेंट्स वर हेल्दी। ये सब्जेक्ट हो गया, वी मेन वर्ब हो गया आपका, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम में लिया गया है वर्ब। कुछ विद्यार्थी सशक्त व स्वस्थ थे, हेल्दी थे, है ना। विद्यार्थी उस समय प्रश्न पूछ रहे थे, द स्टूडेंट्स वर आस्किंग क्वेश्चन एट दैट टाइम। मैं प्रत्येक कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरी वर्क, आई कैन डू एवरी वर्क। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, कैन मॉडल है इन्फिनिटिव के रूप में, डू है ना। कर सकता हूँ वर्ब। कोच को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना चाहिए था, कोच को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना चाहिए था, ठीक है। आपने क्या देखा कि कोच को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, इसका इंग्लिश हम देखेंगे किस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है। कोच को, ये तो सब्जेक्ट हो गया, प्रशिक्षित करना चाहिए था, ये आपका वर्ब वर्ब आ गया ना, वर्ब के रूप में। देखिए, द कोच शुड हैव ट्रेन्ड द प्लेयर्स। एक्सप्लेनेशन, प्रथम उदाहरण में यानी कि आपने, मैंने बताया था कि प्रथम उदाहरण में क्या था कि ईट एक मेन वर्ब है, ठीक है, क्योंकि यह कार्य के करने को वर्णित 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 करता है। द्वितीय उदाहरण में जो था, सम स्टूडेंट्स वर हेल्दी, कौन सा एग्जाम्पल था, सम स्टूडेंट्स वर हेल्दी, उसमें भी वर्ब एक मेन वर्ब है क्योंकि यह सब्जेक्ट की अवस्था को वर्णित करता है। तृतीय उदाहरण में यानी तीसरे उदाहरण में वर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि विद्यार्थी उस समय प्रश्न पूछ रहे थे, द स्टूडेंट्स वर आस्किंग क्वेश्चन एट दैट टाइम। वर आस्किंग यानी कि जो एग्जाम्पल था ना पिछला, मैंने बताया था द स्टूडेंट्स वर आस्किंग क्वेश्चन एट दैट टाइम। देखिए, तृतीय उदाहरण में वर एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है, आस्किंग एक मेन वर्ब है। इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड के बाद कोई मेन वर्ब हो तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं, और यदि इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं, ठीक है, मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं, न कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चतुर्थ उदाहरण में यानी कि तीसरे चौथे वाले में, मैं प्रत्येक कार्य कर सकता हूँ, आई कैन डू एवरी वर्क, ठीक है। उसमें देखिए, कैन एक मॉडल है तथा डू एक बेयर इन्फिनिटिव या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, नीडंट, डेरेंट, ऑट, टू, यूज टू को इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स या मॉडल वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। इनको प्रयोग करने के नियमों को सीखने के लिए मॉडल्स वाले टॉपिक का अनिवार्यतः अध्ययन करें, करना ही हम करेंगे, ठीक है। पंचम उदाहरण में यानी पांचवा जो उदाहरण मैंने बताया था, कोच को खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना चाहिए था, यानी कि कोच शुड हैव ट्रेन्ड द प्लेयर्स, ठीक है। इसमें क्या आ गया था, देखिए पांचवें उदाहरण में, पंचम उदाहरण में शुड मॉडल के बाद हैव ट्रेन्ड, परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भूतकाल के अपूर्ण कार्य के लिए हुआ है। अतः वर्ब एक वह शब्द होता है जो सब्जेक्ट के किसी एक्शन या स्टेट, अवस्था, दशा, स्थिति को डिस्क्राइब, वर्णित करता है। ऑब्जेक्ट,
इसी में हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को पहचान। विज्ञान ने हमें अद्भुत उपहार दिए हैं, विज्ञान ने हमें अद्भुत उपहार दिए हैं। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल गिफ्ट्स, एक्सप्लेनेशन उपयुक्त उदाहरण में अस तथा वंडरफुल गिफ्ट्स दो ऑब्जेक्ट हैं। यहाँ अस एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन व्यक्ति है तथा वंडरफुल गिफ्ट्स एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थिंग्स वस्तु है। किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होने पर उपयुक्त क्रम में ही इनका प्रयोग होता है। अतः ऑब्जेक्ट वह वर्ड या वर्ड्स होता है जो वर्ब द्वारा इंडिकेटेड इंगित एक्शन को रिसीव करता है। रिसीव करता है, अतः ऑब्जेक्ट वह वर्ड या वर्ड्स होता है जो वर्ब द्वारा इंडिकेटेड इंगित एक्शन को रिसीव करता है। कॉम्प्लीमेंट विधेयार्थ एग्जाम्पल में समझ सकते हैं आप अच्छे से। तो कॉम्प्लीमेंट विधेयार्थ एग्जाम्पल देखिए, दुर्लभ पुस्तकें महंगी होती हैं, रेयर बुक्स आर एक्सपेंसिव। ये आपका रेयर बुक सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वो आर है ना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्सपेंसिव। उन्होंने मोहन को सरपंच चुना, दे इलेक्टेड मोहन सरपंच। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक्सप्लेन, प्रथम उदाहरण में एक्सपेंसिव शब्द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट रेयर बुक्स को डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। द्वितीय उदाहरण में सरपंच शब्द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट मोहन को डिस्क्राइब करता है। अतः कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड्स होता है जो वर्ब के बाद यूज होता है तथा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। ये ध्यान रखना हमेशा कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो वर्ब के बाद ही यूज होता है। क्या वर्ब के बाद यूज होता है और किसको डिस्क्राइब करता है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक्सपेंसिव सब्जेक्ट के अनुसार है तो मतलब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सरपंच किसको इंडिकेट करता है, मोहन को, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। एडवर्बियल क्रिया विशेषणात्मक देखिए, विद्यार्थियों ने शीघ्रता से प्रश्नों के उत्तर दिए, सब्जेक्ट एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब। द स्टूडेंट्स क्विकली आंसर्ड द क्वेश्चंस, है ना, एडवर्बियल मैनर है क्विकली। विद्यार्थियों ने शीघ्रता से प्रश्नों के उत्तर दिए, द स्टूडेंट्स क्विकली आंसर्ड द क्वेश्चंस। तस्वीर को बहुत सुंदरता से बनाया गया था, द पिक्चर वाज ड्रॉन वेरी नाइसली। द पिक्चर वाज ड्रॉन वेरी नाइसली एडवर्बियल, ये आपका क्रिया विशेषणात्मक है फ्रेज के रूप में, ठीक है। देखिए, वह गत माह घटित हुआ था। यह गत माह घटित हुआ था। इट हैपन लास्ट मंथ। इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, गत माह एडवर्बियल है ना, वी घटित होना, घटित हुआ था वर्ब हो गया, तो घटित हुआ था, वह हैपन लास्ट मंथ है ना, गत माह, यानी कि एडवर्बियल नाउन फ्रेज के रूप में टाइम बता रहा है। मैं हमेशा ज़रूरतमंदों की सहायता करता हूँ, मैं सब्जेक्ट हमेशा एडवर्बियल, ज़रूरतमंदों की ऑब्जेक्ट सहायता करता हूँ वर्ब। आई ऑलवेज हेल्प द नीडी, नीडी फ्रीक्वेंसी है एडवर्बियल है ना। मैंने इस पुस्तक को लगभग पढ़ लिया है, आई हैव ऑलमोस्ट रीड दिस बुक। आई हैव ऑलमोस्ट लगभग, ठीक है, एडवर्बियल डिग्री होगी, रीड पढ़ लिया है दिस बुक, इस पुस्तक को, ऑब्जेक्ट।
एक्सप्लेनेशन में भी अच्छे से समझा रखा है। उपयुक्त सभी उदाहरण में एडवर्बियल एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज या एक नाउन फ्रेज है। दूसरे उदाहरण को छोड़कर सभी उदाहरणों में क्रमशः एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, फ्रीक्वेंसी तथा डिग्री का प्रयोग हुआ है। इन एडवर्ब्स का सामान्यतः अधिक प्रयोग होता है। इनके अतिरिक्त फोकस एडवर्ब, स्पेशली नॉर्थ एडवर्ब, क्लियरली, कमेंट एडवर्ब, लकीली, लिंकिंग एडवर्ब ऑल्सो आदि भी एडवर्बियल के रूप में यूज हो सकते हैं। अतः एडवर्बियल एक एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या प्रीपोजिशनल फ्रेज या नाउन फ्रेज हो सकता है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखिए, कुछ एक्सरसाइज हैं जो एग्जाम की दृष्टि से जो आ चुके हैं पहले और आगे भी आ सकते हैं। वह घर पर था। फर्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि अपने को हिंदी से इंग्लिश बनाता है। वह घर पर था, ही वॉज एट होम, ठीक है। सेकेंड, पुलिस थाना ज़्यादा दूर नहीं है। द पुलिस स्टेशन इज नॉट फार अवे। राकेश बीए का छात्र है। राकेश इज ए बीए स्टूडेंट। दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। कॉलेज की हॉकी टीम मैच जीत गई है। द हॉकी टीम ऑफ कॉलेज हैज वन द मैच। और देखिए, ट्रांसलेट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मत्स्य बी ए नॉन क्वालिफाइड 2017 में ये क्वेश्चन आ चुके हैं। मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे, यानी कि एग्जाम देखिए, वर्क हार्ड और यू विल फेल। सब बहुत तेज भागे परंतु राम सबसे तेज था। ऑल रैन टू फास्ट बट राम वाज द फास्टेस्ट। बच्चे रोज शतरंज खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले चेस एवरी डे। वह इतना कमज़ोर है कि चल भी नहीं सकता। ही इज सो वीक दैट ही कांट इवन वॉक। बच्चों को बड़ों का कहना मानना चाहिए। चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स। बच्चों को बड़ों का कहना, चिल्ड्रन शुड लिसन टू देयर एल्डर्स, ठीक है। और देखिए, हमने उसका जन्मदिन मनाया। इसके लिए क्या होगा, वी सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे। इस दवाई का स्वाद क्या है कड़वा। द टेस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज बिटर। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये रहे। पहला जो सिक्स नंबर है, क्या है, हमने उसका जन्मदिन मनाया, वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे। सेवन नंबर जो है, इस दवाई का स्वाद कड़वा है, दिस टेस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज बिटर। क्या बारिश हो रही है, इज इट रेनिंग। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मत्स्य बी एस सी बी कॉम 2017। रीटा प्रतिदिन स्कूल नहीं जाती। रीटा डजंट गो टू स्कूल डेली। हेमंत पिछले वर्ष भारोत्तोलन चैंपियन बना। हेमंत बिकेम वेट लिफ्टिंग चैंपियन लास्ट ईयर। तुम्हारे पिता तुमसे कब आए थे। व्हेन डिड योर फादर कम टू मीट यू। तीन घंटे से वर्षा हो रही है। It's been raining since past three hours. ओके, तुम्हें गणित कौन पढ़ाएगा, हु विल टीच यू मैथमेटिक्स। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, मत्स्य बी ए 2016 के क्वेश्चन भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे गीता की सहायता करनी पड़ी। आई हैड टू हेल्प सीता। मुझे अब घर जाना है। आई नीड टू गो होम नाउ। मुझे इस वर्ष बी ए की परीक्षा देनी पड़ेगी। यू विल हैव टू टेक बी ए एग्जाम दिस ईयर।
धोबी यहाँ प्रतिदिन आता है। द वॉशरमैन कम्स हियर एवरी डे। उसका नौकर भोजन बनाएगा। हिज सर्वेंट विल कुक द फूड। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। मत्स्य बी ए नॉन कॉलेजिएट 2016। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली इज द मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। अरावली विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली इज द मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज ऑफ वर्ल्ड। बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य से काम लेता है। द इंटेलिजेंट पर्सन वर्क्स विद पेशेंस। तुम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो। हु आर यू वेटिंग फॉर। क्या तुम सोचते हो कि वह आएगा। डू यू रियली थिंक दैट ही विल कम। देश में काले धन की समस्या अत्यंत गंभीर है। इन आवर कंट्री ब्लैक मनी इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यदि वर्षा होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट विल रेन देन वी वॉन्ट गो आउट। यदि वर्षा होगी तो हम बाहर नहीं जाएंगे। इफ इट विल रेन देन वी वॉन्ट गो आउट। हमें पर्यावरण प्रदूषण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशन। क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। डू यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन टू इंग्लिश। मतलब CBSE BCom 2016 में जो क्वेश्चन आए हैं मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे इस बुक्स की सहायता से। वह मेरी चचेरी बहन है। क्या है। वह मेरी चचेरी बहन है। देखिए समझ सकते हैं आप इसको अच्छे से। सी इज माई कजिन सिस्टर। क्या था क्वेश्चन। वह मेरी चचेरी बहन है। वह मेरी चचेरी बहन है तो क्या होगा उसका इंग्लिश। सी इज माई कजिन सिस्टर। है ना। देख रहे होंगे ना आप। महाविद्यालय में 40 कक्ष हैं। देर आर 40 क्लासरूम्स इन द कॉलेज। कमजोर को मत सताओ। डू नॉट टॉर्चर द वीक। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुडंट टेल ए लाई। सूरज पूर्व से उगता है। द सनराइजेज इन द ईस्ट। द सनराइजेज इन द ईस्ट। तो ये आपका टॉपिक था जो अच्छे से समझाया गया है इस बुक में। ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। बुक्स जर्नल इंग्लिश मत्स्य हेल्प बुक फॉर बी ए बी एस सी एंड बी कॉम पार्ट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट सिलेबस। ठीक है। और इसका पब्लिकेशन है छवि पब्लिकेशन। जब इस बुक्स की सहायता से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस बुक्स को परचेज कीजिए और हम फिर इसी बुक्स की सहायता से एक नया टॉपिक तैयार कर रहे हैं और जल्दी ही मैं उसको अपने वीडियो अपलोड करूंगा। इसके लिए आपको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो और आप उस टॉपिक को अच्छे से इस बुक्स की सहायता से समझ सकें। तब तक के लिए थैंक यू। हैव ए नाइस डे।